उत्तर प्रदेश दिवस पर विकास भवन परिसर में जिला प्रशासन गोरखपुर तथा सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति विरासत का शुभारंभ सदर सांसद रविकिशन शुक्ला ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम के दौरान परिसर में ही लोकल फॉर वोकल के तहत लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का सदर सांसद ने संबंधित अधिकारियों के साथ अवलोकन कर स्टॉल पर मौजूद लोगों से उनके उत्पादों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। वहीं विकास भवन में स्थित विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा गया। साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की। सांसद जी के फोटो के साथ होर्डिंग लगवा दीजिए ना विकास खंडों पे। जहाँ राम लला जन्मे और कान्हा की ये पावन भूमि है, कान्हा की पावन भूमि है, राधा की पावन भूमि है। जहाँ राम लला जन्मे और कान्हा की ये पावन भूमि है, जहाँ गुरुवर गोरखनाथ की अखंड जले ये भूमि। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रविकिशन शुक्ला व सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। बहुत उत्तर प्रदेश दिवस पे मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। इस राम राज्य का पहला वर्ष कह सकते हैं, जहाँ पर सनातन आज़ाद हुआ, धर्म आज़ाद हुआ, प्रभु राम अपने घर विराजे और उत्तर प्रदेश प्रभु राम की कृष्ण की धरती, ये भगवानों की धरती है। यहाँ पर जिस हिसाब से पूज्य महाराज जी राज्य सरकार अपने एक सरकार चला रही, जिस हिसाब से अयोध्या में रोज़ 3 से 5 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रशासन संभाल रहा, मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। इसी को राम राज्य कहते हैं। जहाँ हिंदू भी आज आनंदित है, तो यहाँ दूसरी बिरादरी मुसलमान भी आनंदित है, दंगे नहीं होते हैं। तो आज ऐसे इस दिवस पर, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर, मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जो सौहार्द जो आप लोग बनाए हैं, जो संयम रखे हैं आप लोग प्रेम का, वो रखे रहें और हम लोग एक साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ भारत को विकसित भारत, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को पूरा करें। उत्तर प्रदेश ये निर्णय ले, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, शांति से हम लोग इसी तरह राम राज्य के साथ प्रभु राम के चरित्र को अपनाएंगे। प्रभु राम एक चरित्र थे, कैरेक्टर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम उनको कहा जाता था, उसीलिए आज उनको 5000 साल भी बाद उनको पूजा जा रहा है। तो ऐसा, और मनुष्य अवतार में थे, तो ये चरित्र अपनाना है कि क्यों राम, प्रभु राम की पूजा होती है, उस चरित्र, इस कैरेक्टर की पूजा क्यों होती है जिन्होंने धरती पर मर्यादा शब्द लाया था। तो मर्यादा को लेके हम लोग उत्तर प्रदेश एक वचन लें कि आज स्थापना दिवस पे कि इस उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे एक बीमारू प्रदेश कहा जाता था, इसको एक गौरव प्रदेश बना के $1 ट्रिलियन पूज्य महाराज जी मोदी योगी जी के डबल इंजन सरकार के साथ हम लोग आगे बढ़ें और पूरा देश विश्व कहे अरे बा हो, उत्तर प्रदेश वाला बड़ा, अरे यूपी में का बा, यूपी में एकदम सौहार्द बा, प्रभु राम बाड़न, यूपी में सब बा, यूपी में बाबा बाड़न। उत्तर प्रदेश दिवस का जो ये कार्यक्रम है, ये 3 दिन तक चलेगा, 24 से लेकर 26 तारीख तक। इसके अंतर्गत हमारे जितने भी विकास खंड हैं हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे, जैसा शासन का निर्देश है कि 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक हर विकास खंड की जितने भी हमारी सरकारी बिल्डिंग हैं और निजी व्यक्ति हैं, उनको भी प्रेरित किया जाए कि सभी लोग उसको लाइटिंग वहां पर रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा सबको पता है 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उसके उपरांत ये निर्देश सभी जनपदों को शासन स्तर से जारी किए गए हैं। उसी के क्रम में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कल परसों तक ये अलग अलग हमारे विकास खंडों में और जनपद में अच्छे रूप से मनाया जाएगा। और 26 जनवरी के दिन जो हमारा रिपब्लिक डे है, उस दिन इसकी क्लोजिंग भी होगी और 26 जनवरी